वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग और सबको गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। अभी बजे सुबह के 10:15 और नक्शु तो कब का स्कूल चला गया है, वो तो 7:20 को चला जाता है। और मैं चाय नाश्ता बना के अभी किचन से आई हूँ बाहर। थोड़ा जोर से सुनाई नहीं दे रहा। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो देना चाहिए। तो संदीप यहाँ पे कर रहे हैं चाय नाश्ता और मैं भी अपनी चाय लेके आ गई हूँ चाय पीने, सुबह की चाय। और भाखरी बनाई आज मैंने नाश्ते में, भाखरी और चाय। और संदीप तो ये नहीं, उल्टा हो गया, चवाना खा रहे हैं सुबह सुबह, भाखरी के साथ चवाना खा रहे हैं। नमकीन, चवाना तो नमकीन ही, चवाना ही हुआ ना। हाँ, तुम खा के देखो भाई, इनके कॉम्बिनेशन तो खाना खाते हैं तो खाने के साथ केला में खाते हैं। केला खाना अच्छी बात है लेकिन शक्कर डाल के खाते हैं। शक्कर डाल के कौन खाता है? केला खाते हैं वो ठीक है, केले के अंदर शक्कर डालते हैं फिर खाते हैं, वो खाने के साथ खाते हैं। उनको मीठा चाहिए होता है कुछ ना कुछ, तो जब कुछ उनके नहीं खाना। मैं तो गर्म गर्म अपनी ये काली मरी ये लेके आई हूँ। तो मैंने काली मिर्च कूट के नमक इसमें डाला है और मस्त बनाए हैं थेपले। हम तो कोकी कहते हैं, सिंधी गुजराती का कॉम्बिनेशन है हमारा, ये गुजराती में सिंधी, तो मैं कहती हूँ कोकी और ये कहते हैं भाखरी। तो इनको भाई खाएं सुबह नाश्ते में भी नमकीन चाहिए, लेकिन मुझे नहीं इतना अच्छा लगता नमकीन। तो मुझे तो पता खाली कैसा, अरे चखूंगी तो अच्छा ही तो होगा ना। लो ये जबरदस्ती कह रहे, आप दिख ही नहीं रहे हो फ्रेम में, यहाँ रखूं मैं चखते बता। चखू ये टिपोई ऐसे 36 है लंबाई में और ऐसे फोड़ाई में 24 है संदीप। इसको भी अभी 36 यहाँ तक आता है, कम पड़ रहा है? नहीं कम कहाँ से पड़ेगा, तो यहाँ। अच्छा मतलब ज्यादा है ना, कम तो नहीं है ना। इसको यहाँ से बीच से सेंटर से दोनों साइड से करना, नहीं तो बीच में कम हो जाएगा ना। हाँ, तीन जगह चार जगह काफी बचेगा, इसमें से ये काफी बचेगा, मुझे किचन में काम में आ जाएगा फ्रिज में रखने के लिए। इतनी देर लगाएंगे, अभी जल्दी करो। मैं तो ऐसे फटाफट काम कर देती हूँ, फटाफट। बापनो तबलो, इनको कोई काम दो तो ये तो ऐसे बैठ जाते हैं जैसे खाना वाना खा के उठेंगे। काम में परफेक्शन चाहिए। खाना वाना खा के उठोगे क्या? जल्दी करो यार, एक बार काम करो पर परफेक्ट करो। ओ हो हो, तो मैं तो जैसे परफेक्ट करती नहीं हूँ। वो अभी आपको सोचेगा। चलो अभी इधर से पहले काट देता हूँ। फटाफट करना चाहिए ऐसे, मेरे को खाना भी बनाना है। मेरा बबुआ आके पूछेगा मम्मी खाना के बनाया हुए। नक्शु सुबह उठता है, सुबह उठते किचन में नाश्ते में क्या बनाया मम्मी, स्कूल से आके खाना क्या बनाया मम्मी, कोई टेंशन ही नहीं। शाम को क्लास को क्या बनाओगी मम्मी? बाहर निकलेगा स्मेल कहाँ से आ रही है, मस्त स्मेल आ रही है। कहीं भी कुछ बनता है ना तो कहीं से हम लोग निकल दे ना, तो भाई जैसे किसी शॉप भाई परसान की शॉप है जैसे कुछ तलना है तो तरत उसको नक्शवी नाक पे ना खतरनाक है बोला ना, वो स्मेल आ जाती है। खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तो बोलेगा तरत मुझे मम्मी यहाँ पे किसी चीज की खाने की स्मेल आ रही है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम थे कल जो सिटी में से लेना था हमको, तो कल गए थे लेने के लिए। आधा घंटा तो ऑलरेडी हो गया है हमें, और अभी मैंने इनको एक और काम दिया था मालिए पे चढ़ने का, भी वो तो पता नहीं करेंगे कि नहीं। देखा मुझे पता था संदीप, मुझे डब्बा निकाल के दो यार। डब्बा तो अभी आ जाए ना, मैं अकेली चढ़ जाऊंगी। चल जाओ, बर्फ में बंद कर दूंगा माये। भले गिर गए तो गिर गए, गिरेगी कहाँ से, बाहर से दरवाजा मालिए का बंद कर देता हूँ ना। मालिए में लॉक नहीं है, मैं खोल सकती हूँ,
दरवाजा है लेकिन लॉक नहीं दिया है वहाँ पे। थोड़ा बाहर जा रहा है। अरे भैया जल्दी करो भैया, और भी काम है हमका, पूरा दिन यही नहीं करना। इतनी देर में तो मेरा खाना बन जाता है। जिस चीज में परफेक्शन हो, मैं करने वाली थी, आप लेके बैठ गए। वाह वाह भाई वाह, मैं करने वाली थी। देखो अभी ये क्रॉस है कि नहीं है? ये हो गया भैया, फाइनली हो गया। देखिए दिखाओ, ये जो क्रॉस कटिंग था ना उनका, देखो देखिए। खाली अभी वो वाली सेलो टेप लगा देना। कांग्रेचुलेशन, हो गया। देखिए वो वहाँ पे, ये यहाँ पे थोड़ा सा, ये इतना बच गया है। एक मीटर लेके आया था नहीं संदीप, उसमें से भी बच गया है इतना। ये तो मेरे कम होगा, मुझे ऐसा लग रहा था हम, क्योंकि मेजरमेंट करके नहीं लेके गए थे गाइस, हम लोग ऐसे ही गए थे। देखिए ये यहाँ पे स्क्वायर में आया, और वो और ये तुम्हारे बीच में हो जाएगा। वो तो अभी मैं बाद में शांति से करूंगी। चलिए अभी आप रेडी हो जाइए, सेलो टेप लगाऊंगी मैं अभी, दूसरी लेके आनी पड़ेगी। एक वाली तो नक्श ने खराब कर दी पूरी सेलो टेप। तो देखा आपने, हो गया हमारा काम। अभी ये तो जा रहे, अब मेरे मालिया का काम देखो। अभी मालिया का काम तो फिर से अटका दिया मेरा। और मैं बना रही हूँ किचन में, किचन में खाना। आ गए हमारे नक्शू भैया, और जो स्कूल से आते ही, इधर आ जाओ ना यार, धूप में नहीं दिख रहा, यहाँ से सामने से उजाला। स्कूल में से आते ही ये सीख के आए कुछ मैजिक, और वो दिखा रहे हैं। हाँ दिखा दिखा, ये मेरी उंगली है, मैं ऐसे करूंगा और मेरे नीचे आ जाएगा। दिखा, देखो भैया नक्शू स्कूल से कुछ मैजिक सीख के आया है। अरे वाह, देखो देखा, फिर से करो। हाँ दिखाओ, देखो भैया नक्शू स्कूल से मैजिक सीख के आया। वाह 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 नक्शू, मस्त सीख के आया। अरे देखो जो साइड कागज को घुमा रहा है ना, वो कागज उसी साइड घूम रहा है। नक्शु स्कूल में पढ़ने जा रहे हो कि क्या सीखने जा रहे हो? मम्मी कैसी ट्रिक बताए? नक्शु स्कूल से आते ही चालू कर दी उसने पिचकारी। नक्शु मैंने कहा था तुझे होली में खेलना बेटा। नहीं हाँ नक्शु, होली के लिए लेके आया ना तू, अभी खराब कर देगा लगता है। दूर तक जा रहा नहीं पानी, दूर तक जा रहा है पानी। चल तू ये पानी खत्म कर, मैं बना रही हूँ खाना। खाना तो बन गया है मेरा, तवा गरम करने के लिए। ज़्यादा तेज हो गया आज, देखिए धुएं धुएं हो गए। यहाँ पे चावल बन गए, दाल बन गई है, पत्ते गोभी की सब्जी बनाई है मैंने, आटा लगा दिया है, और बना रही हूँ रोटी। तवा गरम करने के लिए रखा था, दो मिनट के लिए बाहर क्या गई, गैस मैंने थोड़ा फास्ट रख दिया तो ज़्यादा गर्म हो गया, बंद कर दो मिनट, रोटी जल जाएगी नहीं तो। फास्ट हो गया गैस। चलिए आटा, तो क्या हुआ, आटा लगा दिया है। नक्शु थोड़ी देर खेल रहा है, अब संदीप भी आ ही रहे खाना खाने के लिए, तो मैं फटाफट रोटी बना दूँ, खाना दे दूँ। तो गाइस जस्ट खाना खाने बैठे ही थे हम लोग, और अभी कोई आया है मेरे घर पे। चलिए दिखाती हूँ कौन है, मैं आपको दिखा रही हूँ काम चल रहा है। मैंने गाइस बहुत गैप है, पीछे जाली जो लगाई है उसमें गैप बहुत है, तो बिल्ली चूहे सब घर में आ रहे हैं उस जाली से, बिल्ली चूहे कोई भी अंदर जा सकते। इसमें तो क्या होता है कि जब हम लोग घर में रहते हैं ना, तब तो ठीक है कि चलो बिल्ली को भी भगा सकते हैं कुछ भी, जब अगर कहीं दो तीन दिन के लिए बाहर जाएं हम लोग, तो कोई भी मतलब बिल्ली भी अंदर आ सकती है और चूहा भी अंदर आ सकता है। इतना बड़ा जाली में गैप लग जाएगी, जब हमने काम करवाया था ना तब ये जाली नहीं बनवाई थी, तो तब इतना पता नहीं चला कि जाली में गैप कितना रखवाना है, तो थोड़ा ज़्यादा रख दिया गलती से। तो अभी वो जाली का गैप बंद करने के लिए हम उसके ऊपर एक्स्ट्रा एक जाली लगवा रहे हैं, तो जैसे कि मतलब एक दो बार देखा ये वाली जाली बनाई है, ये ना ये जाली मतलब खिड़की के ऊपर आएगी, लोखंड की बनवाई है, देखिए ये यहाँ पे आएगी इसके ऊपर, ये ना ये
ये गेप में से बिल्ली आ रही है बाहर, बार बार बिल्ली आती है अंदर, ये गेप जो है ना उसमें से, तो इसे पैक करने के लिए ये बनवाया है। देखो राजू भाई कलर ना करे अभी, माँ परसाड़ी जा रही है, कलर नहीं किया अभी इसको, फिर से ये अलग लगेगा, अभी इसके ऊपर कलर करना पड़ेगा। पौने चार और अभी भी ये काम चल रहा है। अभी भी चल रहा है, अभी फिट तक फिट नहीं हुई है। तो गाइस सब बनने वाली है खिड़की, देखिए बंद करो, चेक कर रहे हैं। अभी भी खिड़की का काम चल रहा है, नक्शू तो सो गया, वो मुझे भी नींद आ रही। संदीप गए नहीं, संदीप भी यहीं पे रुके हुए, अभी बस थोड़ा ही काम बाकी है लेकिन चल रहा है। अब खिड़की तो बंद कर दी है लेकिन अभी वो दरवाजा बंद नहीं हो रहा, पीछे बाहर से अटक रहा है, अभी ये फिर से खोलेंगे, फिर से करेंगे, भगवान। हे भगवान, अभी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा राजू भाई? बोलो भैया अभी दरवाजा नहीं खुल रहा। दरवाजा तो हो गया, अब चूल्हे का भी थोड़ा सा काम बाकी है, वेल्डिंग का, वो भी करवा रहे हैं साथ में। तो गाइस काम तो चल रहा है, मैं आई हूँ कारीगरों के लिए चाय बनाने, कब से काम कर रहे हैं, 2-2.5 घंटे हो गए ज़्यादा। तो इनके लिए चाय बना लूँ, लाइट बंद कर दूँ मैं। बन गया झूला? अरे सब बन गया, अभी आप झूले खाओ। ये झूले का भी थोड़ा वेल्डिंग का काम बाकी था तो ये भी हो गया साथ में, देखिए ये भाई साहब कर रहे हैं अभी। तो हो गया झूले का भी काम, और देखिए ये लग गई फाइनली, कितने वेल्डिंग टाके लगे। और ये दरवाजा नहीं खुल रहा था तो इन लोगों ने यहाँ से ये टाइल्स भी तोड़ दी, ये टाइल्स तोड़ दी यहाँ पे, देखो है ना, ये खुल नहीं रहा था दरवाजा, अभी अभी खुल रहा है। तो ये लगाने का मेन रीजन यही है गाइस कि यहाँ से ये खुला होता है ना तो चूहे बिल्ली सब आ जाते हैं अंदर। अब लग गया, अब इसको कलर करना पड़ेगा क्योंकि ये अलग कलर है, अभी ये अलग खराब लग रहा है, अभी इसको कलर भी करना पड़ेगा। तो चलिए हो गया, अब ये सामान ले रहे हैं अपना सब। 3 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गया, टाइम लगता है ना। चलो अभी चाय पीते हैं। तो इन लोगों के लिए चाय रख दिए मैंने, लो चाय।
ओछी छे नहीं नहीं अरे भाई नानू कब छे चाय बंद कर दिया ले लो भाई चाय ले लो प्लेट नहीं है प्लेट नहीं है गए फाइनली कब आए थे हम लोग खाना खाने बैठे थे तब आए थे अभी मतलब तभी बज रहे थे मेरे ख्याल से 2:15 या 2:30 बजे थे अभी बजे 5, 2.5 घंटा काम चला अभी इनकी चाबी नहीं मिल रही हे भगवान चाबी तो मुझे आपको ढूंढ के देके जाऊंगी मेरे पास नहीं है आपने मुझे नहीं दी थी अरे मैं बोलता हूँ अभी मुझे आपको देख कर क्या आज तो सुबह से कुछ ना कुछ चल ही रहा है और नक्शु मजे से सो रहा है सुबह से आज काम एक्स्ट्रा काम हुए आज सुबह से और अभी भी मेरा एक काम तो बाकी है माली से डब्बा निकालने का और मेरा बच्चुआ सो रहा है नक्शु सो रहा है नक्शु सुबह से उठ जाता है जल्दी तो उसे फिर नींद आ जाती है पहले तो सो नहीं रहा था उससे तो मैंने जबरदस्ती सुला दिया वरना टीवी देखता रहता और मिली चाबी मिली आपको ये भगवान लोगों को पता नहीं ये चाबी यहाँ पे क्यों नहीं रखते चाबी की जगह पे कहीं भी रख देते हो इनकी चाबी नहीं मिल रही देखो देखो है ना इनका ध्यान देखो चाबी यहाँ पर ही और वहाँ ढूंढ रहे देखो मैं आपको दिखा रही हूँ चाबी का मिली चाबी नहीं कहाँ रखते हो कहाँ ढूंढते हो यहाँ तो बड़ी है यहाँ बड़ी है चाबी और कहाँ ढूंढ रहे हो चाबी मैं बाइक लेके जाता हूँ तुझे जाना है ना छाछ नहीं बनाना चाहिए मत पियो छाछ नहीं बनाना अरे आज ये छाछ की वजह से ऐसा हो रहा है मैं थोड़ी देर लेट जाओ मिल गई चाबी यहाँ रख के वहाँ ढूंढने जाते हैं चाबी चलिए जा रहे हैं चलो चाबी मैं यहाँ रखती हूँ ये चाबी रखने की जगह है यहाँ पे लेकिन ये लोग आते हैं ना तो कहीं भी रख देते हैं फिर ढूंढते हैं चाबी